असोहा थाने में आज तीन लड़कियां अपने ही खेत में जो है बेहोशी के हालात में मिली थी, जिनको हॉस्पिटल में भेजा गया था, जिसमें से दो की वहां पे डेथ हो गई है और एक को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया है, जिसका ट्रीटमेंट जो है वहां पर चल रहा है। इसमें प्रथम दृष्टया यही चीजें संज्ञान में आई है कि ये घास काटने के लिए गई थी और घर वालों ने ना मिलने पे ढूंढने पे ये वहां पे पाई गई, और ये भी देखा गया है कि घटनास्थल पे काफी झाग वगैरह पड़ा था और डॉक्टर के द्वारा भी प्रथम दृष्टया इसमें पॉइजनिंग के सिम्टम्स बताए गए हैं। अन्य सभी घटनास्थल पे उपस्थित लोगों के बयान दर्ज करके और जांच की जा रही है, गहराई से जांच की जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये असोहा थाने में आज तीन लड़कियां अपने ही खेत में जो है बेहोशी के हालात में मिली थी, जिनको हॉस्पिटल में भेजा गया था, जिसमें से दो की वहां पे डेथ हो गई है और एक को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया है, जिसका ट्रीटमेंट जो है वहां पर चल रहा है। इसमें प्रथम दृष्टया यही चीजें संज्ञान में आई है कि ये घास काटने के लिए गई थी और घर वालों ने ना मिलने पे ढूंढने पे ये वहां पे पाई गई, और ये भी देखा गया है कि घटनास्थल पे काफी झाग वगैरह पड़ा था और डॉक्टर के द्वारा भी प्रथम दृष्टया इसमें पॉइजनिंग के सिम्टम्स बताए गए हैं। अन्य सभी घटनास्थल पे उपस्थित लोगों के बयान दर्ज करके और जांच की जा रही है, गहराई से जांच की जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।